ऑर्डर एंड कम्पोनेट ऑफ अ थीसेस आई देखें कि एक थीसेस के अंदर कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ थीसेस और उनका ऑर्डर क्या होता है हम ये बात यहां पर करते चले कि थीसेस का जो ऑर्डर होता है इट इज मोर और लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ सेम बट येट देर माइट स्टिल बी सर्टन चेंजेस दट सर्टन यूनिवर्सिटीज माइट रिक्वायर सो so, सबसे पहले आपका टाइटल पेज आता है टाइटल पेज के बाद देयर इज दिस स्टेटमेंट ऑफ दैट द यूनिवर्सिटीज आस्क फॉर स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनेलिटी में आपने ये बताना होता है कि जो काम आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो काम आपका ओरिजिनल है और ये प्लेजराइज नहीं है मोर ऑफन देन नॉट ईच यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनालिटी एक बेसिक स्टेटमेंट उनके पास बनी हुई होती है जो कि आपने सिर्फ अपने सुपरवाइजर से पूछना है और वो अवेलेबल होगी अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपली एक दो सेंटेंसेस लिखने होते हैं इस पेज के ऊपर जिसमें ये बताना होता है कि आपका जो काम है वो ओरिजिनल है देर इज ऑल्सो दिस कापी राइट पेज जिसमें आ, ये बात क्लियर कर दी जाती है कि जितने भी इसमें काम किया गया उसके है उसके राइट्स जो हैं, वो आपके कॉपी राइट जो है वो आपके पास है फिर एक पेज page, दो पेजेस और आ सकते हैं यू कैन बिगिन विद डेडिकेशन इस पेज पे डेडिकेशन का मतलब यह है कि आप अपना ये काम किसके नाम कर रहे हैं ये दिस इज नॉट नेसेसरी बट सम पीपल वुड लाइक टू डू इट फॉलोइंग इट कैन कम इकनोलेजमेंट्स ना इक्नोलेजमेंट्स आई वुड से आर नॉट ऑप्शनल इकनोलेजमेंट्स में बहुत जरूरी है कि आप उन तमाम लोगों का जिक्र करें जिसके जिन्होंने आपको ये थीसेस लिखने में मदद दी so यू कैन टॉक अबाउट योर सुपरवाइजर यू कैन टॉक अबाउट योर फैमिली और जितने भी जो भी और लोग इसमें शामिल थे आपके दोस्त शामिल थे तो वो एक्नोलेजमेंट का एक पूरा पेज आता है फिर उसके बाद आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, आपका एब्स्ट्रैक्ट डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कितना लंबा एबस्ट्रैक्ट डिमांड कर रही है यूजली इसकी जो लेंथ होती है वो फाइव वर्ड्स तक होती है लेकिन यू कैन चेक विद योर सुपरवाइजर आफ्टर दैक्ट कम्स द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स जितना भी जितनी भी चीजें उसके अंदर हैं जितने भी कम्पोनेट्स हैं चैप्टर्स हैं आप उसका एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बनाते हो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको आई वुड एडवाइज के टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स अगर आप कंप्यूटर जेनरेटेड बनाए तो उसमें यह फायदा होता है कि जब आप एडिट कर रहे हो थीसेस और आप उसमें से कोई चीज निकालना चाहते हो या कोई चीज एड करना चाहते हो तो जो पेज नंबर्स होते हैं वो खुद खुद कन्फिगर हो जाते हैं और वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा विगल नहीं करता और वो मैच करता है आपके पेजेस से अदरवाइज कई दफा कंप्यूटर से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चीजें ले जाने में भी पेज नंबर्स अगर हिल जाएं तो आपको टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स के साथ मैच करना चाहिए दिस इज एब्सोलूटली इम्पॉर्टेंट कि जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो पेज नंबर्स आपने दिए हैं वो वो पेज नंबर्स मैच करें उन चीजों से जो कि आपके एक्चुअल थीसिस में है आफ्टर द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देयर कम्स अ लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर आपने कोई टेबल्स इस्तेमाल किए हैं, अगर आपने इसके अंदर कोई फिगर्स यूज किए हैं कोई इलास्ट्रेशन यूज किए हैं तो उसकी एक अलग से लिस्ट बनती है और इस लिस्ट के बाद देर कैन बी अ लिस्ट ऑफ एब्रीवेश्स आपने कौन सी एब्रीवेशन यूज की हैं वॉट आर एब्रीवेशन एब्रीवेशन से मुराद ये कि जो आप uh, पूरे लफ्ज कहने के बजाय जो जो यू यूज दिस लेटर्स टू रिप्रेजेंट दोज वर्ड्स दोज आर कॉल्ड एब्रीवेश फॉर फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ सेइंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यू से यूएसए यूनाइटेड नेशंस की जगह आप लिखते हो यूएन एन तो वो सारी एब्रीवेश जितनी भी आपने थीसिस में यूज की हैं वो यहां पर आएंगी उसकी वजह यह है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आप उसको समझ रहे हो कि जो आपका रीडर है या जो एग्जामिनर है उसको मालूम है और वो उसको उनको वो चीज़ मालूम ना हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक क्लियर वट डू यू मीन बाय दोज थिंग्स फिर आपका आ जाते हैं चैप्टर्स आ जाते हैं आप यूजली Uh, जो हर थीसिस है उसमें छह चैप्टर्स होते हैं समटाइम्स दे आर मोर देन सिक्स डिपेंडिंग कि आपने किस तरीके से uh, जो डिस्कशन है या एम्पलीकेशन हैं या रिकमेंडेशन हैं उनका अलहदा चैप्टर बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते बट इन एनी केस जो मेन चैप्टर्स होते हैं यूजली एक थीसिस में वह आपका इंट्रोडक्शन का होता है लिटरेचर रिव्यू आता है मैथडोलॉजी होती है उसके अंदर और फिर उसके बाद रिजल्ट्स दिए जाते हैं फिर उसके बाद डिस्कशन होती है और कंक्लूजन होता है सो so, ये एक मेन ऑर्डर है बेसिक ऑर्डर है जिसके ऊपर थीसिस एक स्ट्रक्चर होता है हाउ एवर इफ यू योर सुपरवाइजर सजेस्ट अ फ्यू चेंजेस यू कैन मेक अ चेंजेस एड अ न्यू चैप्टर बट इन एनी केस ये उसका बेसिक है फिर उसके बाद आ जाता है आपके रेफरेंसेस का पेज रेफरेंसेस का पेज एक नए उससे शुरू होगा हमेशा एक नए पेज से शुरू होगा और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके अपेंडिसिस अपेंडिसिस वो चीजें हैं जो कि आप ऐड करते हो ताकि आपके थीसिस को वो वैलिडेट करें और ये वो चीजें होती हैं जो आपके काम को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है बट दे कांट बी पॉसिबली कम इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट